हेलो जी कैसे हो सारे दिस इज लव बुब वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 65 पर और यहाँ पर हम फिर दोबारा ट्रीज के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं मैंने कहा था आपको जब भी हम कोई टॉपिक करेंगे जब भी डिस्क करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे ताकि उसकी अच्छी खासी क्लैरिटी अच्छे खासे सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो और हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में ऑनलाइन असेसमेंट में आए तो हम सॉल्व कर पाए ठीक है स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मज़ा आने वाला है तो पहला क्वेश्चन कहता है सम ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्लड लाइन ऑफ अ ट्री क्या मतलब है इस बात का इसका मतलब है कि सम ऑफ नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ नोड क्या मतलब है हमने बोला लेट से हमारे पास एक ट्री पड़ा हुआ है फोर तो मुझे क्या करना है मुझे सम ऑफ नोड्स निकालना है किसका सम ऑफ नोड निकालना है भाई लॉन्गेस्ट पाथ में जो भी नोड्स आ रही हैं वो कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ जो कि आपका रूट से लेकर लीफ में बन रहा है तो भाई यहाँ पे तो मेरे पास ये एक लीफ है है ना ये एक लीफ नोड हो गई ये भी एक लीफ नोड है ये भी एक लीफ नोड है और ये भी एक लीफ नोड है तो मुझे कैसे पता लगे कौन से वाले पाथ की बात कर रहा है मैंने कहा गिन लो ना दोस्त गिन लो और मान लो अगर ये मेरा एक रूट नोड है तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि यार एक तो मेरा पाथ ये बनता है लॉन्गेस्ट नहीं बोल रहा एक पाथ ये बनता है जिसके अंदर कितनी नोड है एक दो तीन तीन नोड बन रही है भाई और इनका सम कितना आ रहा है चार दो सात थर्टीन बहुत बढ़िया तो इस तो आपने तीन नोड के लिए आंसर निकाल दिया अगला हमने बोला कि यार ये पाथ भी एक हो सकता है रूट से लीफ तक का इसमें कितने नोड है चार नोड है आंसर कितना आ रहा है चार दो छ छः बारह एक थर्टीन उसके बाद हमने क्या बोला अगला पार्ट क्या हो सकता है यार ये भी एक पाथ हो सकता है यहाँ पे तीन नोड है दोबारा तीन नोड है पाँच दो सात चार ग्यारह फिर मैंने बोला एक और हो सकता है भाई ये वाला भी हो सकता है इसमें भी तीन नोड है यार और तीन नोड कौन कौन सी है चार पाँच नोड तीन बारह ठीक है तो हमने क्या बोला मेरे पास ये चार पाथ है एक पाथ में तीन नोड है एक में चार है एक में तीन है एक में तीन है तो हमने क्या बोलता लॉन्गेस्ट पाथ लॉन्गेस्ट पाथ में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नोड होगी तो, हो तो इन शॉर्ट ये वाला पाथ जिसमें चार नोड है ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ हो गया लॉन्गेस्ट पाथ आपका ये हो गया और हमने क्या बोला था मुझे सम चाहिए तो सम क्या रहा 13 आ रहा है थर्टीन रहा तो इन शॉर्ट इस टेस्ट केस के लिए आपका आंसर थर्टीन आ जाएगा तो यहाँ से हमें क्लैरिटी मिल गई कि क्वेश्चन क्या कहता है अब फटाफट अपने अप्रोच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो फटाफट एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं किस प्रकार मैंने बोला फिर दोबारा वो एग्जाम्पल उठाया हुआ चार दो पांच सात एक दो तीन छे तो बेसिकली हमने ऊपर क्या किया हमने सारे के सारे पाथ निकाले कि यार पहले ये पाथ है इसका आंसर निकाल लो फिर ये वाला पाथ है रूट टू इसका ये निकाल लो फिर ये एक और पाथ है ये निकाल लो फिर एक और पाथ है ये निकाल लो सारे पात निकाले थे ना हम इस प्रकार तो अगर हम ध्यान से सोचें तो किस प्रकार हम सारे पाथ निकाल सकते हैं मैंने बोल रिकर्जन के द्वारा ट्राइवल सारे सारे कर ही लोगे ना तो रिकर्जन के द्वारा आंसर निकालने का ट्राई करो रिकर्जन के द्वारा आंसर निकालने का ट्राई कर लो हो जाएगा हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा तो मैंने क्या बोला कि अभी स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपके पास अगर मैं के पास दो वैल्यूज पड़ी हैं एक आपका सम एट दिस पॉइंट और एक आपका नंबर ऑफ नोड नंबर ऑफ नोड कह सकता हूं जो भी पाथ में या फिर मैं कह सकता हूँ पाथ ऐसा कुछ लेंथ ऑफ पाथ मान लो तो मैंने क्या बोला ये वैल्यू इंडिकेट करती है सम कॉम लेंथ को तो मैंने बोला यहाँ तक मेरा क्या सम है यहाँ तक मेरा सम है फोर और लेंथ कितनी है एक ही नोड है तो यहाँ पे लेंथ होगी वन तो जैसे मैं लेफ्ट राइट जाऊंगा लेंथ इंक्रीमेंट करती रहेगी अब जैसे मैं यहाँ पे गर्जीवी ट्रैवल्स करूँ तो पहले मैं अपने लेफ्ट पार्ट में गया मैं यहाँ पे गया जब तो मैंने बोला टू आ गया तो फोर प्लस टू सिक्स हो गया और लेंथ बढ़ गई वन से तो टू हो गया बहुत बढ़िया फिर मैं और आगे गया मैंने बोला भाई कहाँ पहुँच गए उसने बोला यार सिक्स प्लस सेवन थर्टीन और लेंथ जो है वो थ्री हो गई बट एक चीज़ हमें समझ में आई कि हमें रूट से लीव तक जाना था और यहाँ मैं लीव तक पहुँच गया ठीक है तो यहाँ मुझे रुक जाना है और अपने आंसर को अपडेट करना है तो लेफ्ट से कि ये मेरा कोई आंसर पड़ा होगा मैंने आंसर से बोला कि आंसर भाई मेरे पास ना यार ये आ गया है थर्टीन और थ्री यहाँ पे पहले मेरे पास जीरो जीरो वैल्यूज पड़ी होगी स्टार्टिंग में तो मैंने बेसिकली इसको कंपेयर कर लिया जब मेरे पास को नया आंसर आएगा तो मैं क्या कंपेयर करता हूँ मैं क्या करता हूँ कि यार इसकी लेंथ चेक कर लो पुरानी वाली लेंथ को कंपेयर करा लो इस लेंथ को इसके साथ अगर आपकी ये लेंथ जो है इससे बड़ी है या बराबर भी है तो अगर ये ट्रू कंडीशन आ जाती है तो उस केस में मैं जो मेरा सम है ये मेरा सम है इसे स्टोर कर दूंगा कि मैक्स ऑफ जीरो कोमा ये वाला थर्टीन थर्टीन क्या आंसर आ गया थर्टीन हो गया तो ये आपका कट गया और आंसर क्या स्टोर हो गया ये वाला थर्टीन और इसकी लेंथ कितनी है इसकी लेंथ थ्री है तो अब आपका आंसर जो है थर्टीन कॉमन थ्री है थर्टीन मतलब सम थ्री मतलब नंबर ऑफ नोट्स इसी प्रकार मैंने बोला चलो ठीक है यहाँ से वापस चले जाओ अब इसने राइट में कॉल मार दी राइट में जब गया तो पहले था सिक्स और ये था वन सिक्स प्लस वन सेवन आपकी लेंथ भी हो एक से थ्री हो गया फिर लेफ्ट तो कॉल मार दी सेवन था सिक्स था क्या आ गया थर्टीन और ये पहले थ्री लेंथ थी अब फोर लेंथ हो गई फिर हम देखा रहे तो लीफ नोट है ओके लीफ नोट पर तो रुकना होता है लीफ नोट पर अगर रुकना है तो मुझे फिर दोबारा मेरा आंसर अभी कितना है मेरा आंसर है थर्टीन कॉमा थ्री मैं क्या करता हूँ मैं जो लेंथ ना इसको बस कंपैरिजन करता हूँ यार यहाँ पे जो पुरानी वाली लेंथ है ना अगर ये छोटी पड़ जाएगी या बराबर आ जाएगी तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा तो इन शो बोला ये वाली लेंथ उठाओ फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हाँ है ना उसने बोला हाँ हाँ है भाई तो सिंपल सी बात है भाई अपडेट कर दो अपडेट कर दो किसको इसकी वैल्यू लाओ इसकी वैल्यू लाओ उसका मैक्स उठा लो दोनों का थर्टीन कॉमा थर्टीन क्या आंसर आ गया थर्टीन ही आ रहा है तो इसका आपने काटा और अपडेट कर दिया थर्टीन कॉमा आपका आपकी नई लेंथ कितनी 4, बढ़ी है चार बहुत बढ़िया ये भी कर दिया आपने फिर आप नॉल चलो यहाँ से वापस चलते हैं आप यहाँ से वापस गए आप यहाँ से वापस गए आप यहाँ से वापस गए फिर आपने बोला फोर नहीं गया कॉल मारो राइट में पहले था फोर अब आ गया फाइव फोर प्लस फाइव नाइन लेंथ बढ़ गई एक से पहले एक था दो हो गया बहुत बढ़िया फिर इसने राइट लेफ्ट फिर इसने लेफ्ट में कॉल मारी पहले था नाइन अब था टू ये हो गया इलेवन लेंथ बढ़ गई थ्री हो गया ये एक लीफ नोड थी एक लीफ नोड थे आप कंपेरिजन करने गए यार एक बार चेक करना वाला थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर मैंने बोला फॉल्स है अरे फॉल्स है तो चलो फिर कुछ करते हैं, नहीं इग्नोर करो इग्नोर करा वापस चले गए राइट में गए पहला नाइन था अब थ्री था इलेवन ट्वेल्फ और लेंथ आपकी थ्री हो गई ये भी लीफ नोड है लीफ नोड है कंपेरिजन करने चले जाओ एक बार इसमें क्या है थ्री तो ये कंपेयर किया किससे आंसर से फोर है थ्री ग्रेटर देन फोर फॉल्स आ गया फिर से इग्नोर कर दिया तो आपका आंसर अभी ये पुराने वाला ही है अब आप वापस गए वापस गए और फोर ने आपका आंसर रिटर्न कर दिया और आंसर की वैल्यू क्या है थर्टीन को माँ फोर थर्टीन का मतलब है कि मैक्सिमम जो है वो थर्टीन है और फोर का मतलब है कि उसकी जो लेंथ है वो चार है यानी कि उसमें नंबर ऑफ नोट जो प्रेजेंट है वो चार है तो फटाफट से आप एक कोड कर लेते हैं मैंने बोला सबसे तो पहले मुझे एक लेंथ चाहिए होगी लट से मैं इसको जीरो जीरोलाइज कर लिया और मैक्स लेंथ चाहिए होगी मान लो जीरो पड़ा हुआ फिर मैंने बोला मुझे एक सम चाहिए होगा जिसमें करंट सम होगा बेसिकली जो भी आप नई नोट ट्रेवल्स करते आए उसको ऐड करते जाओगे ना एक सम वेरिएबल चाहिए और मुझे एक मैक्सम चाहिए जिसमें आंसर स्टोर होगा मैक्सम में आपने इंटमेंट डाल दिया कि भाई मुझे इसमें स्टार्टिंग में इन डाल दी एक मैंने फंक्शन कॉल कर दी होगी उसमें ये सारी वैल्यूज पास कर दी होगी वहां पर मेरा सारा लॉजिक लिखा हुआ होगा कि भैया इस प्रकार काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा लेंथ कॉमा मैक्स लेंथ फिर मैंने अपना आंसर जो भी आया है मैक्सम रिटर्न कर दिया बहुत बढ़िया अब फटाफट अपना कोड लिख लेता हूँ यार मैंने बोला वर्ड सॉल्व यहाँ मैंने पास किया हुई नोट स्टार रूट और ये मेरा सम हो गया ये मेरा मैक्सम हो गया मैक्सम जो है मुझे बाय रेफरेंस सेंड करना है क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ ये मुझे रिटर्न करना है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे मैंने लेंथ लिख दिया और यहाँ मैंने अपनी मैक्स लेंथ पास कर दी बाय रेफरेंस ठीक है अब मैंने क्या बोला अब मैंने क्या बोला कि चलो स्टार्ट करते हैं बेस केस के साथ स्टार्ट करते हैं बेस केस के साथ हमने बोला इफ रूट इज इक्व टू इज इक्व टू नल इस केस में क्या होगा मैंने बोला दो केस बनते हैं दोस्त मैंने बोला क्या होगा अगर आपकी रूट न लो गई यानी आपने एक तरीके से पाथ एंड कर दिया हो सकता है पाथ एंड कर दिया जरूरी नहीं है हो सकता है कि मतलब आपका लेफ्ट साइड ना हो रहा राइट साइड तो पड़ा हुआ होगा ना हो सकता है आपका पाथ एंड हो गया तो चेक कर लो एक बार एक बार अपनी लेंथ को तो कंपेयर कर लो मान लोज आपकी करंट लेंथ ना अगर वो बढ़ गई है मैक्स लेंथ से ज्यादा हो गई है अगर करंट लेंथ आपकी मैक्स लेंथ से ज्यादा हो गई है तो मैक्स लेंथ को अपडेट करो ना यार मैक्स लेंथ को अपडेट करो करंट लेंथ पे और अपने मैक्सिमम को भी अपडेट कर देना कर दिया बहुत बढ़िया अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि यार मान लो वो दोनों इक्वल हो गई है मान लो वो दोनों इक्वल हो गई है भैया लेसन वाली क्यों ले रहे हो अगर लेंथ मेरी कम है मैक्स लेंथ से तो मुझे उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं ना यार लेंथ कम है मुझे लॉन्गेस्ट के चाहिए है ना इक्वल वाली कंडीशन में क्या करना है सिंपल है यार मैक्सम को अपडेट कर दो मैक्सम जो है आपका वो बेसिकली इसके इक्वल हो जाएगा आपके करंट सम और मैक्सम में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके इक्वल हो जाएगा खत्म और हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया ये मेरा बेस केस हो गया फिर मैंने क्या बोला फिर मैंने क्या बोला कि यार जो भी मेरा सम होगा ना जो मेरा करंट सम होगा उसमें रूट का वैल्यू तो ऐड होनी है करंट नोड को मैं ऐड कर देता हूँ राइट right? मैंने बोला था ना कि मैं 4 पे मैं फोर पे हूँ अभी करंटली फोर पे हूँ तो फोर आ गया मैं आगे गया तो मैंने इस फोर में टू ऐड करके सिक्स बना दिया तो बेसिकली मैंने क्या बोला सम में मैंने ऐड कर दिया है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रूट का डेटा फिर मैंने क्या बोला कि दो फंक्शन कॉल जाएगी भाई एक लेफ्ट की कॉल मारेंगे हम इसमें सम पास किया और मैक्स सम पास किया लेंथ को हमने इंक्रीमेंट करना है बाई वन और मेरी मैक्स लेंथ इसी प्रकार मैंने क्या बोला कि एक और फंक्शन कॉल जाएगी भाई इसमें हमने रूट का राइट पास किया होगा सम पास किया होगा मैक्सिमम लेंथ को इंक्रीमेंट किया और मैक्स लेंथ ठीक है तो ये वाली चीज़ हो गई ये मेरा बेस केस बिल्कुल तैयार है और ये मैंने लॉजिक अपना लिख दिया है और ये मेरी फंक्शन कॉल है मैंने इसको पाइलेंट रन किया कंपाइन रन किया और सबमिट कर दिया देखते हैं क्या आता है देखते हैं क्या होता है दो हज़ार एक सौ दस वाओ तो जी एफ जी में दो चीज़ तो हो चुकी है भाई फास्ट बहुत ज़्यादा हो गया और पहले ऐसा नहीं होता था कि इतने टेस्ट केस लगा रखे हैं बहुत कम टेस्ट केस लगा कर तो बहुत वीक टेस्ट केस होता था कि ये जी एफ जी में एक जमाने में बट अब चीजें बदल गई तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपने हर एक नोड को एक सिंगल टाइम विजिट किया है है ना एक ही बार विजिट किया तो आपके टाइम इस केस में क्या होगी ओ ऑफ एन हो गई बहुत बढ़िया आप रिकर्जन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे रिकर्जन का यूज कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक रिगर्जन फंक्शन कॉल जो है वो बेसिकली कॉन्स्टेंट स्पेस उठा रही होगी ठीक है और आपकी टोटल नंबर ऑफ कॉल कितनी जा सकती है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल मैक्सिमम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितनी होगी हाइट की इक्वल होगी तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या होगी ओ ऑफ हाइट हो गई अगर मान लो एक क्यू ट्री होगा अगर मान लो एक ट्री होगा तो इस केस में आपकी हाइट जो होती है एन की इक्वल होती है तो आपका ओ ऑफ एन हो जाता है उस केस के अंदर ठीक है तो यहाँ पे कंस्टेंट चेक कर लो तो इसी प्रकार हमें आंसर निकालना था हमने उसी कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है बहुत बढ़िया तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फटाफट चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बहुत फेमस क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बार पूछा है एल सी ऑफ बी एस टी बल सी ऑफ बाइनरी ट्री भी समझते हैं क्या मतलब इस बात का सेकंड क्वेश्चन तो फटाफट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है कि भाई एल निकालो एक ट्री का क्या मतलब है इस बात का आपको लोवेस्ट कॉमन एनसेस्टर निकालना है किसी भी दो नोट्स का तो आपको इनपुट के अंदर दो नोट दी हुई है भाई एक नोट का नाम है एन वन एक नोट का नाम है एन टू आपको इनका लोवेस्ट कॉमन एनसेस्टर निकालना है तो मैंने कहा लेट्स से कि मेरे पास ये ट्री प्रेजेंट है मेरे पास लेट्स से इस प्रकार का ट्री है कि फाइव फोर थ्री सेवन एट नाइन ट्वेल्व ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी नाइन इस प्रकार का मैंने बोला कि लेट से आपका जो एट है ना यार वो एन वन है मैंने बोला एन वन जो है वो एट के इक्वल है और लेट से आपका एन टू जो है वो ट्वेंटी सेवन के इक्वल लेट से ये आपका एन टू है इनका लोवेस्ट कॉमन एनसेस्टर निकालना है कैसे निकलता है मैंने बोला सिंपल है मान लो कि जो एट के एनसेस्टर है उनको वाइट से दिखाऊंगा मैं तो मैंने बोला एट का एनसेस्टर तो आपका फोर है यार तो व्हाइट फिर मान लाला एट का इन्सेस्टर यार उसके ऊपर जाते रहो बेसिकली आप किसी भी नोड का अगर आप एनसेस्टर निकाल रहे हो तो कुछ भी नहीं करना आपको यार आ, मान लो कि इसका इनसेस्टर निकाल लो तो आपने कुछ नहीं करना इसके ऊपर जाते रहो कि ये एनसेस्टर है ये एक है ये एक अनिस्टर उसी प्रकार मान लो फोर ए अनस्टर है फिर और ऊपर चले गए फाइव भी एनसेस्टर है ठीक है तो एट के लिए आपका फोर ए अनसेस्टर हुआ और फाइव इंस्टर हुआ फिर मान लाला कि मान लो जब का एन टू है ना यार इसके जो इनसेस्टर होगा मैं ग्रीन से दर्शा रहा हूँ तो मान लो एन टू के लिए थ्री एनसेस्टर है और फिर आपका फाइव भी एनसेस्टर है तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई फाइव एक ऐसी नोड है जिसमें आप एट के एनसेस्टर भी हैं और आप ट्वेंटी सेवन के एनसेस्टर भी हैं तो ऐसी नोड अगर आपको मिल जाए जहां पे आप इन दोनों के एंसेस्टर बने हैं तो उसी नोड का हम क्या बोल देते हैं लोवेस्ट कॉमन बोल देते हैं ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर मान लो और नोड लगी हो लेट्स यहाँ पे एट और पढ़ा हुआ फिर एट यहां पर ट्वेल्व पड़ा हुआ इस प्रकार तो ऊपर अगर आप जाओगे लेट से आप इसके ऊपर जाओगे तो ये भी एनसेस्टर है, है इन दोनों एन टू के बट ये लोवेस्ट नहीं है लोवेस्ट वाला कौन सा होगा सबसे पहले मिला हुआ तो सबसे पहले कौन सा मिला है सबसे पहले फाइव मिला तो मैंने फाइव को क्या बोल दिया कि आप लोवेस्ट कॉमन एनसेस्टर है ठीक है यहाँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है ये वन है ये टू है और ये थ्री है आपको उन्होंने बोला कि टू जो है वो एन है थ्री जो है वो एन है तो टू का एनसेस्टर कौन है टू का एंसेस्टर ये है थ्री का एंसेस्टर कौन है थ्री का दोनों का है तो भाई तो ट्वेल्व है अगला क्या है इन्होंने बोला कि भाई ये है फाइव इसके नीचे यहाँ टू पड़ा है इसके नीचे यहाँ थ्री पड़ा है और इसके नीचे यहाँ फोर पड़ा है इन्होंने बोला कि यार ये आपकी एन वन है और ये आपकी एन टू है ठीक है मैंने बोला कि यार थ्री के लिए मैं अगर ऊपर जाऊँ तो थ्री आंसर टू भी है और भाई फाइव भी है उसी प्रकार में फोर के लिए ऊपर जाऊँ तो फोर आंसर टू भी है और फाइव भी है बट पहले तो टू आया ना दोस्त तो टू मेरा एल सी हो गया सिंपल सिंपल लॉजिक बात समझ में आ रही है तो ये लॉजिक है यार अब सॉल्व कैसे करना है मैंने बोला ठीक है पहली अप्रोच क्या हो सकती है लेट से मेरा कोई भी एक ट्री है पहली अप्रोच क्या हो सकती है इस प्रकार मैंने बोला कि एट मान लो आपका एन वन है और फोर मान लो आपका एन टू है या फिर ऐसे इसको और अच्छे से बनाते हैं मैंने बोला कि एट को चलो हटाओ यहाँ फाइव है और यहाँ ट्वेंटी वन है मैंने बोला ये आपका ट्वेंटी वन जो है एन वन है और ये आपका एन टू है इसमें किस प्रकार जाओगे ना लो सिंपल है जाएंगे कैसे वो तो समझ में आ जाएगा अब अप्रोच की बात कर रहे हैं पहली अप्रोच क्या हो सकती है मैंने अगर मान लो कि मैं रूट से ले कर तक का पाथ निकाल लूँ रूट से ले कर तक का पाथ निकाल लूँ तो कैसे निकलेगा वन थ्री फाइव ट्वेंटी वन वन थ्री फाइव ट्वेंटी वन फिर मैंने बोला कि मान लो मैंने रूट से लेके कर एन टू का पात निकाल लिया वो कैसे निकलेगा वन थ्री और फोर वन थ्री और फोर अब मैंने क्या बोला यहाँ पर मैंने बोला भाई पीछे की तरफ से आओ एक बार और देख लो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है तो आपको देखा सबसे पहले कॉमन एलिमेंट मेरा थ्री आ रहा है तो मेरा एल क्या हो गया थ्री हो गया ठीक है एक सोल्यूशन तो यही हो सकता है इसमें आपने दोनों चीज़ स्टोर करा रखी होंगी तो आपने दो स्पेस यूज कर रखे होंगे है ना और यहाँ पे आपने ये ट्रेवल्स की एक बार किया होगा इसके लिए फिर इसके लिए भी ट्रैवल्स किया होगा उसके बाद आपने कंपैरिजन चलाया होगा एक तो अप्रोच आपको ये समझ में आ रही है ठीक है मतलब तो रिकर्जन से करेंगे भैया उसमें ज़्यादा मजा आता है मतलब ठीक है भाई उससे कर लेते हैं तो एक बार रिकर्जी अप्रोच सोचते हैं कि उसमें किस प्रकार हमने किया होगा ठीक है एक बार रिकर्जिव अप्रोच के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये क्वेश्चन हो सकता है तो मैंने बोला ये है मेरा एन वन और ये है मेरा एन टू मैं अपने ट्री में गया मैंने यहाँ से स्टार्ट किया मैंने क्या बोला एन वन स्टार्टिंग मुझे पता है ट्वेंटी वन है और एन टू जो है वो फोर है इनको ढूंढ के लाओ इसने बोला यार क्या तू एन वन या एन टू है क्या तू फोर या इक्कीस है उसने बोला नहीं मैं नहीं न्यू आगे चले गए क्या तू एन वन या एन टू है उसके बोला नहीं मैं भी नहीं न्यू उसने बोला ये तो ना ला के केस में आपके आंसर रिटर्न हो गया ना रिटर्न हो गया फिर राइट में गया इसने बोला क्या तू है उस समा नहीं हूँ वो आगे गया नल के केस में यहाँ से नल आ गया फिर यहाँ पर भी राइट के केस में भी नल आ गया दोनों केस में तो जो आपका यहाँ से लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर जो आप रिकर्जन के द्वारा निकाल रहे हैं है ना ये आपने रिगर्ज के द्वारा निकाले होंगे बेसिकली लेफ्ट का आंसर भी गर्जन से निकाला होगा और राइट का आंसर भी गर्जन से निकाला होगा है ना लेफ्ट का आंसर आपका इस केस में नल आ गया और राइट का आंसर भी इस केस में नल आ गया है ना तो इन शॉर्ट आठ तो आपका आंसर होने वाला है नहीं है तो ऊपर क्या भेजोगे आप आप बोलोग यार आंसर नहीं पता तो आपने नल भेज दिया तो आपने इस केस में आंसर क्या भेज दिया रिटर्न नल फिर आप सिक्स पे गए सिक्स में भी यहाँ भी नल आ रहा है यहाँ भी नल आ रहा है यार सिक्स भी आंसर नहीं है सिक्स ने भी ऊपर नल भेज दिया फोर ने राइट की कॉल मारी यहाँ नल पड़ा था यहाँ भी नल आ गया तो टू के केस में भी राइट और लेफ्ट दोनों नल आ रहे हैं तो इसने ऊपर भी नल भेज दिया कि भाई नल यार फिर वन ने यहाँ कॉल मारी इसने पूछा भाई तू एन एन टू में से कुछ है उसने बोला फोर एय ट्वेंटी वन नहीं है मैं तो नहीं हूँ उसने लेफ्ट में कॉल मारी पूछा भाई तू एन वन एन टू से कुछ है उसने बोला हाँ भाई एन टू एन टू है तो बहुत बढ़िया ऊपर भेज दे भाई अपने आप को इसने फोर भेज दिया ऊपर फिर इसने राइट में कॉल मारी तू एन वन एन टू है उसने बोला नहीं मैं नहीं हूँ उसने लेफ्ट में कॉल मारी क्या कैन वन एन टू उस वाला हाँ मैं हूँ भाई तू ही है ऊपर भेज दे अपने आपको भेज दिया ट्वेंटी वन फाइव ने राइट में कॉल मारी एन वन एन टू है नल है तो ऐसा नल आ गया तो यहाँ पे एक केस जनरेट हुआ आपके पास कि जो आपका लेफ्ट आंसर जो है इस केस में फाइव के केस में लेफ्ट आंसर आपका जो है वो नॉट नल आ रहा है बट आपका जो राइट right आंसर है ना राइट right आंसर आपका नल आ रहा है तो इस केस में क्या करना है तो इस केस में कुछ नहीं करना है इस केस में जो भी आपका आंसर आया था ना उसके ऊपर भेज देना सिंपल ट्वेंटी तो इस केस में क्या समझ आया कि मुझे रिटर्न कर देना है अपने लेफ्ट आंसर को बहुत बढ़िया अब ध्यान से थ्री के केस में आपका लेफ्ट आंसर फोर आ रहा है और राइट आंसर ट्वेंटी वन आ रहा है इन शॉर्ट आपका जो लेफ्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है नॉर्नल उसी प्रकार जो आपका राइट right आंसर आ रहा है वो भी आ रहा है नॉर्नल और इस केस में आप क्या बोलते हो जब कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जहां पे दोनों की तरफ से सही आंसर आ रहे हैं दोनों की तरफ से नॉर्नल आंसर आ रहे हैं तो उस केस में आपका वही आंसर होता है दोस्त जिस नोट पे आप खड़े हैं तो हम थ्री पे खड़े थे तो थ्री ही मेरा लेफ्ट लोवेस्ट कॉमन एनसेस्टर हो जाएगा समझ में आई इस प्रकार के लेंगे जैसे ये कंडीशन बनेंगे इस प्रकार एक बाईस वर्षा वाली कंडीशन बन सकती है कि मान लो आपका लेफ्ट जो है वो नल है पर मान लो आपका जो राइट right आंसर आया है वो नॉन नल है तो इस केस में क्या करूँगा मैं रिटर्न कर दूंगा राइट right के आंसर को ठीक है फटाफट से कोड करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए तो मैंने क्या बोला सबसे पहले आपको बेस केस देख लो बेस केस आपने लिखा आपने बोला इफ रूट इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू नल इस केस में क्या करूंगा मैं इस केस में सिंपल सी चीज़ है यार नल वाले केस में हमने अभी देखा था यार कि जब भी मेरा कुछ नल होता है तो मेरा आंसर रिटर्न नल हो जाता है रिटर्न नल बहुत बढ़िया फिर मैंने अगला केस लिखा मैंने बोला इफ हम चेक कर रहे हैं क्या भाई तू एनवन एन टू है तो हमारा रूट का जो डेटा है इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू एनम और और रूट का जो डेटा है इज ईक्ल टू इज इक्वल्स टू एन टू क्या तू एनमन एन टू में से कुछ एक है अगर हाँ तो रिटर्न कर दे अपने आपको भाई रिटर्न कर दे अपने आपको, दे अपने आपको सिंपल चीज़ ये दो पे इसके हमने फटाफट लिख दिए इसके बाद अपना रिकर्जन रिकर्जन खेलेंगे यार हमने बोला लेफ्ट में कॉल मार दे भाई लेफ्ट से आंसर लिया हमारा नोड स्टार आपका लेफ्ट का आंसर आ गया जी कैसे आया फंक्शन का नाम है एल सी ए लेफ्ट में कॉल मारी रूट का लेफ्ट एन वन पास किया एन टू पास किया बहुत बढ़िया इसी प्रकार हमने क्या बोला राइट, राइट, राइट का कॉल मार दिया राइट का आंसर उठा ला राइट का आंसर आ गया जी एल सी ए रूट का राइट एन वन का एन टू फिर हमने क्या बोला यार क्या हो सकता है आ, आपकी चार परमिटिशन बन सकती है लेफ्ट नल भी हो सकता है और नॉन नल भी हो सकता है आपका राइट नल भी हो सकता है नॉन नल भी हो सकता है तो हमने क्या बोला चेक कर लेते हैं भाई एफ लेफ़्ट का जो आंसर है इज इक्वल टू इज इक्वल्स टू हमने बोला नॉट इज इक्वल टू नल नॉनल है एंड एंड राइट का जो आंसर है इज नॉट इक्वल टू नल दोनों अगर नॉन नल है तो ये तो आंसर होता है तो रिटर्न कर दिया तो जिस रूट पे आप खड़े हैं वही आपका आंसर होता है ठीक है अगली कंडीशन अगर देखें अगली कंडीशन कहती है कि मान लो आपका जो लेफ्ट आंसर है ना यार वो नॉट इक्वल टू नल है बट आपका राइट right आंसर जो है ना वो नल ही है यार तो इस केस हम क्या करते हैं नॉन नल को ऊपर भेज देते हैं यार यानी आपका लेफ्ट आंसर ऊपर भेज दिया एक कंडीशन और बन सकती है सेम इसी प्रकार कि आपका जो लेफ्ट आंसर है अगर वो नल हो पर आपका जो राइट right आंसर है वो नॉन नल हो तो इस केस में क्या करेंगे मैंने उन्होंने नॉन नन वाले ऊपर भेजो ना बस यार दिमाग क्या ही लगाना है इसमें सिंपल चीज़ है और एक लास्ट हमारा एल्स केस बन जाएगा जब आपके लेफ्ट और राइट दोनों नल हो तो उसके नल भेज दो भाई रिटर्न कर दो समाज भाई एक बार चेक कर लो यार लॉजिक को अगर आपका रूट नल है तो आंसर न रिटर्न कर दिया अगर एन मनी एन टू से कुछ मिल गया तो रूट रिटर्न कर दी लेफ्ट का आंसर निकाला राइट का आंसर निकाला दोनों नॉन नल है तो रू, रूट रिटर्न कर दिया अगर कोई एक नॉन नल है तो उसको हमने भेज दिया आंसर में और नल रिटर्न कर दिया इसको हमने एक बार रन करके देखा इसको हमने एक बार रन करके कर देखा हा, सही आ गया हम लोग सबमिट करके देखो एक बार यार सही चलता है कि नहीं चलता एक हज़ार टेस्ट किसी को यार तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सबमिट कर हमारे सारे टेस्ट के पास हो गए ठीक है अगर ध्यान से देखो तो हमने हर एक नोड को सिंगल टाइम विजिट किया सिर्फ सिंगल टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई ऑफ एन हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन का यूज़ किया हर एक रिकर्जिव कॉल के अंदर कुछ कॉन्शेंट स्पेस यूज होगा तो आपकी टोटल नंबर ऑफ रिकर्जन रिकर्जिव कॉल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैक्सिमम क्या हो सकती है आपकी हाइट ही कॉल सकती है तो आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ ऑफ हाइट बेसिकली लिया अगर मान लो तो आपका स्क्यूट ट्री है इस प्रकार का जिसमें सिर्फ ऐसी ट्री बनते हैं इस प्रकार के तो यहाँ पे जो आपकी हाइट होती है वो इक्वल होती है आपके नंबर ऑफ नोड के तो यहाँ पे आपका जो स्पेस स्पेसिव ऑफ ऑफ एन हो जाएगी समझ गया तो इस प्रकार हमने इसको इसके दिए हुए रेस्ट्रिक्शन के अंदर सॉल्व कर दिया अब फटाफट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जिसका नाम है के सम पाथ क्या मतलब इस बात का समझते हैं तो क्वेश्चन थ्री कहता है कि आपको एक बाइनरी ट्री गिवन है आपको के की वैल्यू भी गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ पाथ कितने ऐसे पाथ कितने हो सकते हैं इन विच द ट्री है ट्री विच हैव द सम इक्वल टू के ठीक है ऐसे पाथ आपको निकालने हैं कि उसके सारी नोड को अगर मैं सम कर दू ना तो के के इक्वल आ जाए ऐसे जितने पाथ रिश्त करते हैं उतना काउंट बता देना बेसिकली आपको काउंट निकाल के देना एक पात हो जाए कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है किसी भी नोट से लेके किसी भी नोट तक हो सकता है कहीं से भी स्टार्ट हो गया कहीं तक भी जा सकता है सिंपल है समझते हैं किस प्रकार से सोल्व करना इसको मैंने बोला कि मेरे पास इस प्रकार का एक ट्री पड़ा हुआ एक दो एक, एक माइनस एक चार पांच एक दो सॉल्व करते हैं हमने बोला के की वैल्यू क्या दी हुई फाइव दी हुई है के वैल्यू दी हुई है फाइव दी हुई है तो इसको फटाफट सॉल्व करने के बाद ट्राई करते हैं तो हमने क्या बोला कि दिमाग क्या कह रहा है दिमाग कह रहा है कि सारे पाथ निकाल लो जितने भी पाथ एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे पाथ निकाल लो और उन पाथ के अंदर तुम बता देना यार कि कितने मतलब काउंट चलाते रहो जितने तुम्हारे सम पाथ मिलते जाए सारे पाथ निकाल लो उनका सम चेक कर लो अगर वो के के इक्वल है तो काउंट को प्लस प्लस कर देना ये लॉजिक कहता है हमारा है ना तो अप्रोच हमारी क्या हो सकती है अप्रोच डिस्कस करते हैं तो अप्रोच हमारी क्या हो सकती है हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि भाई मैं सारे पाथ निकाल लेता हूँ हर पाथ में सम कर लूँगा नोट्स का और कंपेयर कर लूँगा के के साथ दिमाग सबसे पहले सोलूशन तो ये करेगा ना इसमें क्या बोला है ऐसे नंबर ऑफ पाथ बता दो काउंट ऑफ पाथ बता दो जिसमें कि आपका सारी नोड का सम जो है उस पाथ के अंदर इक्वल टू के हो जाए तो मैंने वही तो बोला मैं स्ट्री के अंदर जितने पाथ किस करते हैं सारे निकाल दूंगा जितने करते हैं सारे निकाल दूंगा हर पाथ का सम निकाल दूंगा और कंपेयर कर लूँगा के के साथ जितनी बार के के बोलो वो तो काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा समझ में आ गई बहुत आसान था तो बेसिकली मैंने बोला कि सारे पात निकालूंगा सारे पाथ कैसे निकालोगे भैया मैंने बोला हर नोड पे मेरे पास एक पाथ होगा जैसे वन के लिए यहाँ पर मेरा पास क्या पाथ स्टोर है वन स्टोर है हो गया कंपेयर कर लूँ फाइव के साथ नहीं यार काउंट तो जीरो रह गया इसमें काउंट की वैल्यू जो है वो जीरो है अब लेट से वन के पास मैं थ्री पे आया तो मेरा पास क्या हो गया वन और थ्री हो गया अब करूँ कंपेयर मैं फाइव के साथ नहीं यार अभी मैं ऐसा नहीं कर पा रहे हो अभी काउंट जीरो ही है फिर मैं यहाँ पर टू पे आया अब मेरा पाथ क्या हो गया वन थ्री टू अब मैंने कंपेयर किया फाइव के साथ कि यार मुझे दिखा कि यार इतना पार्ट अगर मैं उठा लूँ ना अगर मैं इतना पार्ट उठा लूँ तो ये फाइव के इक्वल हो जाएगा ठीक है तो काउंट यहाँ प्लस प्लस हो गया काउंट की वैल्यू वन हो गई फिर मैं यहाँ से वापस चला गया फिर वन के थ्री पे आ गया अब मैं यहाँ से राइट में आया तो मेरा पाथ क्या हो गया वन थ्री वन मुझे दिख रहा है अगर पूरे को देख लूँ तो फाइव के को ला रहा है तो प्लस वन ठीक है फिर अब यहाँ से यहां पे आए ये क्या बना वन थ्री वन वन मुझे अगर इतने को उठा लूँ तो भी फाइव के को ला रहा है लो एक और प्लस वन कर दिया इस प्रकार हम गेम खेल रहे हैं वापस जाते पाथ मेरे पास हर हर एक नोड पे स्टोर्ड है वहां पर बस हर एक नोड पे मैं पाथ को हर एक नोड पे मैं पाथ में से सम निकाल के कंपेयर करा रहा हूँ सिंपल चीज़ है यार है ना तो मेरा लॉजिक क्या कहता है कि मैं हर एक नोड पे पाथ बनाता हुआ जाऊंगा ये देख रहे हो आप ना ये जो वेक्टर मैंने बनाया है इस वेक्टर बनाता हुआ जाऊंगा और हर एक नोड पे मैं इसको कंपेयर करा लूंगा कंपेयर करा लूँगा मेरे सम के साथ समझ में आई एक बार फटाफट फड़ कोड करते हैं अच्छे समझ में आ जाएगा फिर तो मैंने सबसे पहले एक वैक्टर होना चाहिए इसका नाम होता है पाथ मतलब नाम कुछ कर सकते हैं ऐसा कुछ इशू नहीं है वैक्टर इंट पाथ एक चीज़ हो गई ठीक है ये चीज मेरे पास पढ़ना चाहिए फिर मैं काउंट होना चाहिए मेरे पास काउंट जिसमें मैं आंसर स्टोर करूंगा अपना काउंट इज इक्वल टू जीरो फिर मैंने बोला एक फंक्शन कॉल मारूंगा भाई जिसमें रूट पास किया हुआ है मैंने अपना के पास किया हुआ है मैंने और मैंने अपना काउंट uh, पास किया है और पाथ पास किया है आंसर मैंने रिटर्न कर दिया है काउंट बहुत बढ़िया इस फंक्शन को फटाफट कॉल करते हैं वर्ड वर्ड सॉल्व इसमें पास किया है हमने तो 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 नोड इंट के उसके बाद जो मेरे को काउंट रेफरेंस पास कर दिया मैंने ताकि मैं इसमें अपना सारा का सारा आंसर स्टोर करा पाऊं और वेक्टर इंट पाथ मुझे सिर्फ काउंट से मतलब है मैंने को रेफरेंस पास कर दिया ठीक है सबसे तो पहले क्या समझ में आती है कि भाई बेस केस बेस केस की बात कर रहे थे बेस केस क्या कहता है केस कहता है कि यार इफ रूट इज टू इज टू नल तो इस केस में रिटर्न कर जाना यार सिंपल उसके बाद मैंने क्या बोला उसके बाद मैंने क्या बोला कि पाथ में ना जो करंट नोड है वो ऐड कर दो दोस्त तो मैंने क्या बोला जो मेरा पाथ है ना उसमें करंट नोड ऐड कर दो पाथ डॉट पुश बैक करंट नोड क्या है करंट नोड है भाई मेरी क्या कहोगे भाई करंट नोड रूट है ना रूट का डेटा इस प्रकार ये काम हो गया तो बेसिकली मैं जिस नोड पे खड़ा था लेफ्ट से मैं वन पे खड़ा था तो वन में मैंने इस बक्टर के अंदर वन डाल दिया डाल दिया फिर मैं क्या करता हूँ लेफ्ट में जाता था अब मैंने लेफ्ट की कॉल मार दी कि लेफ्ट की कॉल मारो लेफ्ट की कॉल कैसे मारी सॉल्व रूट का लेफ्ट के पास किया काउंट पास किया और पाथ पास कर दिया बहुत बढ़िया ये काउंट कब इंक्रीज करोगे मैंने कहा चलते जाओ कोड लिखते जाओ समझ में आ जाएगा फिर मैंने राइट की कॉल मार दी लिखा सॉल्व रूट का राइट कॉमा के कॉमा काउंट कॉमा पाथ इतना काम हो गया आगे सोचते हैं क्या हुआ तो बेसिकली जब मैं लेफ्ट में गया था तो मैंने क्या किया था लेफ्ट में गया फिर मैंने यहाँ पे वन कॉमा थ्री एड कर दिया बेसिकली थ्री ऐड कर दिया फिर जब मैं इसके लेफ्ट में गया तो इसने मैंने यहाँ पे टू ऐड कर दिया फिर मैं इसके लेफ्ट में गया हूँ तो वहाँ से क्या हुआ होगा रिटर्न कर गया तो मेरे पास जब टू पे वापस आया आम से तो मेरे पास ये वाला एक वैक्टर बना पड़ा है हु� इसमें मैंने कंपेरिजन करा लिया बेसिकली फाइव प्रेजेंट है या नहीं है तो मैंने बेसिकली चेक करना है यहाँ पे चेक फॉर के सम के आर प्रेजेंट है या नहीं है तो मैंने एक बेसिकली लूप चला दिया सिंपल यार फोर इंट आई पाथ का साइज यहाँ पर आपको अच्छे इक्वल टू पाथ डॉट साइज और यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया वेक्टर को पीछे की तरफ से साइज माइनस वन आई टू जीरो आई माइनस माइनस हम क्या कर रहे हैं एक सम वैल्यू हमने रखी है इंट सम इज इक्वल टू जीरो क्या कर रहे हैं बस सम के अंदर जो भी करंट वैल्यू उसको प्लस करते करंट तो वैल्यू कहां से एक, और एक बार चेक कर लो प्लस हो गया अब मुझे पता है कि लेट से अभी यहाँ पर इस टू के लिए वन थ्री टू पड़ा है बट जब मैं इससे वापस जाता हूँ तो सिर्फ वन थ्री होना चाहिए तो इन शॉर्ट जो मैंने इसमें ऐड किया था ना टू पे आके मैंने ये वाला टू ऐड किया था इससे वापस जाते हुए मुझे इसको हटाना भी है तो वापस जाते हुए हटाना भी है तो मैंने क्या बोला पाथ में से हटा देना पॉप बैक ठीक है तो इन शॉर्ट ये मेरा कोड तैयार है और इसको मैं एक बार रन करके कर देख लेता हूँ सिंटेक्स इस मिस्टेक तो नहीं करी है हमने और फटाफट -फड़ पता लग जाएगा ठीक है सही चल रहा है दोबारा कोड देखते हुए बोला एक तो पाथ होगा दोबारा अगर मुझे आपको समझाना हो दोबारा मुझे आपको समझाना हो लेट से ये ट्री है वन टू थ्री फोर टू और लेट्स से यहाँ पे वन ऐसा मेरे को कह दिया हुआ है फाइव तो मैंने क्या बोला ठीक है करंटली मैं वन पे खड़ा हूँ करंटली वन पे खड़ा हूँ तो मैंने पाथ में क्या डाल दिया वन डाल दिया फिर मैं लेफ्ट चला गया फिर मैं टू पे आया मैंने पाथ में डाल दिया टू डाल दिया फिर मैं लेफ्ट गया मैंने पाथ में डाल दिया फोर डाल दिया वन टू फोर फिर मैं इस फोर से इस वन पे आता हूँ मुझे दिखा क्या बन गया भाई वैक्टर में वन आया टू आया यहाँ पे फोर आया होगा फोर आया और ये वन आ गया ये वाला फिर मैंने लेफ्ट में गल मारी वन नल था नल से अब वापस आ गए तो आपने कंपेयर किया इस फाइव के लिए यार तो आपको दिखा फोर और वन से फाइव बन रहा है तो जो काउंट पड़ा था स्टार्टिंग में जीरो उसको काट के आपने वन कर दिया फिर आप वन से ऊपर गए आपको क्या दिखा यहाँ पे वन टू फोर वन था बट अब यहाँ पे सिर्फ वन टू फोर है यानी आपने ये वाला वन जो डाला था इसको हटा दिया तो इसको हटाने के लिए आपको पॉप बैक करना पड़ेगा बेसिकली तो बेसिकली पे यहाँ पे पॉप बैक कर दिया ठीक है और बाकी सारी चीज़ें रिकर्सिली सेम तरीके में चलने वाली हैं ठीक है तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया सबमिट कर देते हैं सबमिट कर देते हैं ठीक है तो ये सारे के सारे टेस्ट हमने पास करा लिए है समझ में आ गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना और बताना मुझे इस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ठीक है यहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर भी एक मिस्टेक दिखेगी जो मैंने सोल्यूशन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना एक मिस्टेक आप इसे पकड़ना कि भैया कहां मिस्टेक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है यहां पर गलती है छोटी सी अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन कहता केथ एनसेस्टर निकालना ठीक है लोवेस्ट कॉमन एस्टर तो हमने निकाल लिया था अब केथ एनसेस्टर निकालना है तो मैंने कहा था ना मान लो किसी प्रकार इस प्रकार का कोई एक ट्री बना पड़ा है इस प्रकार का एक ट्री बना पड़ा है तो मैंने बोला अगर इसका एनसेस्टर निकालो तो आपने बोला यार इसके एनसेस्टर तो सारे हैं ना इसके लिए तो ये भी एनसेस्टर है ये भी एनसेस्टर है ये भी है। है एनसेस्टर है ये इसका लोवेस्ट कॉमन एनसेस्टर होगा सबसे पहले आ गया इसलिए ये इसका सेकंड एनसेस्टर होगा क्योंकि ये फर्स्ट था और ये इसका थर्ड एनसेस्टर होगा है ना इस प्रकार चल रहा है तो उस प्रकार मेरा क्वेश्चन एक आया है और क्वेश्चन मुझे कहता है कि यार एक केथ एनसेस्टर निकाल के दो अगर मैं ये ट्री बना दू कि वन टू थ्री फोर फाइव ये मेरा रूट है उन्होंने क्या बोला k की वैल्यू दो है यानी मुझे सेकंड एनसेस्टर निकालना है मुझे सेकंड एनसेस्टर निकालना है किस नोड के लिए नोड की वैल्यू चार है चार के लिए सेकंड एनसेस्टर मुझे क्या दिख रहा है कि चार के लिए टू मेरा फर्स्ट एनसेस्टर हुआ और टू के ऊपर भी जाऊँगा तो वन मेरा सेकंड एनसेस्टर हो गया तो ये मेरा सेकंड एनसेस्टर हो गया तो आंसर मेरा वन आना चाहिए तो आंसर मेरा आउटपुट में वन आ रहा है ठीक है इस प्रकार करना है यार तो इसको एक तो प्यारा सोल्यूशन जो आपके दिमाग में फटाफट आया होगा वो इस प्रकार का आया होगा आपने बोला होगा यार मेरी अप्रोच जो है जो मैंने नहीं सोची है दिमाग में अभी वो ये है कि यार ऐसा कुछ कर लेता हूं कि रूट नोड से लेके ना दोस्त एंत का पाथ निकाल लेता हूं तो मेरा पाथ क्या आ गया वन टू फोर वन टू फोर इस प्रकार आ गया पाथ निकल गया स्टोर करा लिया किसी वेक्टर में ठीक है और फिर मुझे केथ नोड तो निकालनी है मुझे केथ सेक्टर निकालना है कैसे निकालूंगा तो बेसिकली मैंने बोला कि के की वैल्यू अगर दो है तो मुझे क्या पता है पीछे की तरफ से उठा लेता ना भाई जीरो वन, टू, आ गया भाई? निकल गया आंसर इस प्रकार सिंपल सोल्यूशन है स्पेस यूज कर लिया हमने स्पेस यूज कर लिया हमने वैक्टर का और यहाँ पर हमने आंसर निकाल लिया एक बहुत प्यारा और सिंपल सा सोल्यूशन आपके दिमाग में आ गया मजा आ गया इसको देख के ना क्या रिक्रेजिबली हम इसको कर सकते हैं लेट्स से कि मैं इस मतलब ये तो आसान सोलूशन है बहुत ज्यादा क्या ही दिक्कत है इसमें ट्रैवर्स करके क्या कर रहे हो एन को फाइंड कर रहे हो एन को फाइंड करते करते आप आंसर स्टोर कराते जा रहे हो वेक्टर के अंदर जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था यहाँ पे किया था ना तो आप बेसिकली ऐसे पुश मारते जाओगे मारते जाओगे मारते जाओगे और जब आपको पुश मारते जाओगे मारते जाओगे मारते जाओगे एक बेस कंडीशन लगाई होगी कि जब मिल गया तब क्या करना है और आप आप मारते जाओगे जब नहीं मिला होगा सिंपल है तो ये वाली जो अप्रोच है ना यार ये वेक्टर में डाल के आंसर निकालने वाली इसको ले लो होमवर्क आसान है बहुत ज़्यादा आसान है ये ठीक है हम दूसरे अप्रोच से करेंगे लेट्स से कि हम बोले हम वेक्टर यूज़ करना चाहते ही नहीं है हम यूज करना चाहते नहीं हम किसी और अप्रोच के करना चाहते हैं यहां पे इजी लिखा हुआ है भाई पर किसी और प्लेटफॉर्म पे देखो तो ये क्वेश्चन आपको हार्ड मार्क किया वो दिखेगा तो इसको इजी मीडियम हार्ड के हिसाब से मत करना यहाँ यहां ठीक है तो समझते हैं हमारा किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं फटाफट ट्री बनाते दोबारा ठीक है तो हमें क्या दिख रहा है हमें रहा है किस प्रकार इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ सोचते हैं किस प्रकार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ तो एक कॉमन सोल्यूशन अगर रिकर्जन के द्वारा सोचते तो इस प्रकार का हो सकता है कि मुझे के की वैल्यू पता है के की वैल्यू क्या दी हुई स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के लिए टू दी हुई है और नोट जो है मेरे को फोर दी हुई है ठीक है पहला टास्क जो है ना मेरा वो करता हूँ फाइंड कर लेता हूँ नोट को नोट को फाइंड कर लेता हूँ नहीं वन पे था मैंने बोला लेफ्ट में जाओ यार तुम फोर हो क्या नहीं हो कोई बात नहीं आगे जाओ तुम फोर हो गया यार तुम तो मिल गए बड़ी बड़ी आसानी से मिल गए तो मुझे फ़ोर मिल गया हमने रिटर्न कर दी यहाँ कि चलो ठीक है कोई नॉन नल वैल्यू भेज दी कि भाई हमें मिल गया नोट तो मिल गई फिर हम राइट में भी जाएंगे भाई क्योंकि जाना पड़ता है, है। लेफ्ट और दोनों कॉल मारे क्योंकि हमने चेक किया फ़ोर हो क्या नहीं हो चलो वापस आ जाओ वापस क्या आओ न लाए ठीक है तो क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट का जो आंसर है वो नॉन नल आया है और जो राइट का आंसर होगा वो न लाया तो इस केस में क्या करना है सोचते हैं मुझे ये तो समझ में आ गया कि एक तो नॉन नल आ गया तो यानी मुझे फोर तो मिल गया मुझे फोर तो मिल गया तब ये नॉर्नल लाया होगा अगर मुझे फोर मिल गया है, तो फटाफट के को माइनस माइनस कर देता हूँ तो मैंने के को माइनस माइनस कर दिया दोस्त के को माइनस माइनस कर दिया यानी के की वैल्यू यहाँ पर पहले ट्रू थी अब यहाँ पर वन हो गई है इस केस में के की वैल्यू माइनस माइनस कर दी ठीक है उसका मैंने चेक किया यार के वैल्यू माइनस करने के बाद कि क्या ये इक्वल टू इक्वल टू जीरो अगर भैया ये ट्रू हो जाता तो जिस रूट पे आप खड़े हो वही आंसर होता है आपका तो जिस नोड पे आप खड़े हो लेट्स से अभी हम टू पे खड़े हैं तो ये आंसर हो जाता बट हमारे केस में ये के जो है इज इक्वल टू वन दैट इज़ नॉट इक्वल टू ट्रू दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो बेसिकली तो इस केस में हम क्या बोला ठीक है ये तो आंसर है नहीं तो क्या भेजू ऊपर ऊपर यार ये टू तो भेज नहीं सकते ये तो आंसर है नहीं तो फोर को ही ऊपर भेज दो तो आपने फोर को ऊपर भेज दिया यहाँ पर ही फोर आ गया फिर हमने वन के राइट में कॉल मारी क्या फोर के इक्वलो नहीं हो तो वापस आ गए नल फिर दोबारा आपको देखा लेफ्ट जो है वो नॉनल आ रहा है राइट जो है वो ना ला रहा है इस केस में क्या करना है फटाफट के को माइनस माइनस कर दो तो के वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई पहले वन थी अब जीरो हो गई हमने चेक किया क्या के वैल्यू इज गल टूजल टू ज़ीरो है तो वो ट्रू आ गया ट्रू आ गया तो ट्रू के केस में रूट ही आपका आंसर होता तो इस केस में आपका जो रूट है नोड है जिस कर्न नोड पर बैठे हो वन वही आपका आंसर हो गया खत्म बन गया अप्रोच बन गया अप्रोच दोबार देखते हैं हमने क्या बोला कि हम स्टार्ट करेंगे पहले नोड को फाइंड करना हमें एक यहाँ पर रूट नोड बैठे हमने नोड फाइंड करनी शुरू करी कहीं पर हमें मिल गई जहाँ पर हमें मिल गई हमें क्या चाहिए था इसका केथ एंसेस्टर चाहिए था यानी कुछ लेवल से ऊपर के लेवल सुपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है गारंटी है तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ ना मैं के को माइनस करता जा रहा हूँ सिंपल लॉजिक के के वाले तो मुझे पता है जैसे ऊपर जाता जा रहा हूँ के को माइनस करता जा रहा हूँ और जब के जीरो जाएगा वही जी तो मेरा आंसर होगा तो मैंने क्या बोला कि यार चलो ठीक है फोर मुझे मिल गया तो आपने यहाँ पे फोर रिटर्न कर दिया यहाँ पर राइट में मिला यहाँ कुछ मिला नहीं तो नल रिटर्न कर दिया तो जब यहाँ पे देखा कि लेफ्ट का आंसर नॉर्नल आ रहा है राइट का आंसर नल आ रहा है एक भी अगर नॉर्नल मिल जाए तो यानी मेरे को अपना नोट मिल चुकी है तभी तो नॉर्नल आएगा है ना तो आपने क्या बोला बेसिकली सिंपल यहाँ पे के को डिक्रीमेंट कर दो के डिक्रीमेंट कर दिया के डिक्रीमेंट करना चेक किया क्या के इक्वल टू जीरो अगर के इक्वल टू जीरो है तो भाई जिस नोड पे खड़े हो लेट से टू पे खड़े हो तो ही आंसर होता अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो कोई बात नहीं भाई जो आया था वो उसी को ऊपर भेज देना सिंपल दो चीज़ें हैं हमने क्या बोला एक नोड पर खड़े हो पहले फोर को ढूंढ के लाओ फोर मिल गया उसको रिटर्न कर दो रिटर्न कर दिया फिर हम यहाँ पे गए फॉर मिल मिला क्या नहीं मिला रिटर्न कर दो नल नल रिटर्न कर दिया तो टू के लिए हमारे पास एक तो फोर आ रहा है और एक तो नल आ रहा है तो हमने बोला ठीक है फोर आ रहा है ना बहुत बढ़िया K के की वैल्यू को डिक्रीमेंट करो डिक्रीमेंट करके बनाया क्या ये जीरो के इक्वल है नहीं है जीरो इक्वल इक्या है नहीं है तो इसी फोर को ऊपर भेज दो अगर जीरो के इक्वल होता तो जो नोड है उसी को आंसर कर देता मैं समझ भाई तो मैंने बेसिकली आपको ये बोला कि यार के यार अगर आपका के इज इक्ल टू तो इज इक्वल टू तो जीरो है तो जिस भी नोड पर आप इंस्टेड ऑफ टाइम पर पड़े हो वही आपका आंसर है और दूसरी चीज अगर के की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो जो भी आपकी नॉर्नल वैल्यू आई थी ना नॉनल वैल्यू आई थी उसी को ऊपर भेज देना सिंपल लॉजिक खत्म कोड करूंगा बहुत ज़्यादा आसान लगेगा टेंशन ना लें कृपा करके ठीक है मैंने बोला कि मैं अपना एक सॉल्व फंक्शन बनाऊंगा मैं अपना एक सॉल्व फंक्शन बनाता हूँ जो कि मुझे नोट पास करेगा सॉल्व यहाँ मैंने अपना ये सारे के सारे वेरिएबल्स लिख दिए उसके एक वैल्यू में चेंजेस करने हैं उसको मैं बाई रेफरेंस ले लिया ठीक है अब मैंने क्या बोला अब मैंने क्या बोला पहले बेस केस

के पास कर दिया नोट पास कर दिया फिर मैंने राइट का आंसर निकाला भाई राइट का आंसर निकाला सॉल्व किया रूट के राइट के लिए के और बढ़िया अब यहां से मैं वापस आऊंगा क्या मतलब है इस बात का इस बात का मतलब है कि जब मैं वापस जाऊंगा लाइन नंबर 125 ट्वेंटी फाइव पे आप पहुंच गए हो तो इसका मतलब क्या आप लेफ्ट और राइट वाली कॉल से वापस आ रहे हो क्या मतलब है दोबारा समझा देता हूँ इसका मतलब यह कि यार यहाँ पे लेफ्ट से एक आंसर आ गया यहाँ पे राइट से एक आंसर आ गया अब मैं इससे वापस जाने वाला हूँ अच्छा ये पता तो मुझे अपना लगाना लगाता हूँ के माइनस माइनस वाला तो मैनोअल वाल ठीक है मैनूरल ठीक है एक केस क्या हो सकता है कि आपका जो लेफ्ट आंसर आया ना वो नॉट नल है बट आपका राइट आंसर जो है वो नल आ गया समझ आ गई ये चीज़ समझ आ गई इस प्रकार हमने बोल दिया ये है तो इसके से हमने क्या बोला था ठीक है इस केस में क्या बोला था पहले तो एक इक्वल के डिक्रीमेंट कर दो डिक्रीमेंट कर दी अब के एक चेक कर लो क्या के लेस देन इक्वल टू जीरो है अगर जीरो है अगर वो जीरो है तो क्या करो के को ना एक ऐसे इंटीजर डाल दो एक ऐसे इंटीजर डाल दो जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो केक को ऐसा इंटीजर बना दो जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो क्यों बनाए बढ़िया क्यों बनाए भैया क्योंकि जब बाद में जाकर इसको डिक्रीमेंट करोगे ना तो ये जीरो के आसपास ना पहुंच पाए तो ये जीरो के आसपास ना पहुंच पाए क्योंकि जैसे जीरो के आसपास पहुंचेगा तो आपका आंसर भटक जाएगा तो अगर आपको मान लो लेस देन इक्वल टू जीरो गया तो मैंने बोलता करंट एलिमेंट में आप रिटर्न करते थे। रूट रूट का रिटर्न कर देते पर अगर मान लो इसके इक्वल नहीं पहुंचा है मतलब कि मैंने कहा कि के जो है आपका जीरो नहीं हुआ है तो उस केस में आप क्या करते थे जो भी आंसर आया था उसी को भेज देते थे ऊपर लो कर दिया ठीक है लॉजिक समझते हैं क्या हुआ मैंने बोला अगर आपका लेफ्ट का आंसर नॉनल है और राइट का आंसर नल है तो यहाँ पे क्या होता है जैसे इस केस की बात कर रहा हूँ इसमें लेफ्ट का आंसर आपका नॉर्नल था और राइट का जो आंसर आया है वो नल था तो हमने क्या किया था सबसे पहले के को डिक्रीमेंट किया था के को हमने आप डिक्रीमेंट करके के एज इक्ल टू वन आ गया ठीक है फिर हमने क्या किया था के को चेक किया था क्या भाई इक्वल टू जीरो है क्या भाई लेजन इक्वल टू जीरो अगर लेजन इक्वल टू जीरो तो भाई मेरा केतन एंसेस्टर मिल गया अगर लेजन इक्वल टू जीरो है तो मेरा केतन एंसेस्टर मिल गया मिल गया मतलब जो भी कर नोटर बैठे उसको रिटर्न कर दो तो आपने रूट रिटर्न कर दिया ठीक है इंटरमैक्स क्यों किया भैया इसको इसको करने का लॉजिक सिर्फ इतना है कि भाई इसको हमने इतना बड़ा बना दिया है कि अब इसको दोबारा माइनस माइनस करके ना आप कभी भी जीरो के इक्वल नहीं ला पाओगे इन शॉर्ट आपने इस रूट वाले आंसर को लॉक कर दिया आंसर लॉक करने के लिए कर दिया आपने इसको आपने आंसर को लॉक कर दिया आंसर को लॉक कर दिया आंसर लॉक करने का मतलब है कि आपने आंसर लॉक कर दिया टू तो अब जितनी बार भी ऊपर जाएगा ना भाई हमेशा टू ही पास होगा टू ही पास होगा ऊपर कितना ही ऊपर ये हो टू ही पास होने वाला टू ही पास होना आंसर लॉक कर दिया आपने ठीक है सेम चीज आपकी एक और बन सकती है एक और कंडीशन बन सकती है यार क्या आपने बोला कि लेफ्ट का आंसर तो मेरा नल है बट मेरा जो राइट का आंसर है वो नल है यार राइट का आंसर जो है वो नॉट नल है इस केस में क्या करना है भाई इस केस में मैंने बोला सेम ही तो करना है सेम ही तो करना है के को पहले डिक्रीमेंट कर लेना फिर के चेक कर लेना के को लॉक कर देना आंसर रिटर्न कर देना और पर यहाँ पे थोड़ा चेंज है लेफ्ट आंसर की जगह राइट आंसर रिटर्न करना क्योंकि वो नॉन नल है ठीक है इतना बाट हो गया और इसको हटाओ ये पुराना था ये और फिर हमने बोला अगर इंद्र कुछ भी नहीं तो था रिटर्नल भाई सिंपल डन चला के देखते हैं कुछ इंटेक्स एरर है क्या कुछ ना कुछ तो किया ही होगा हमने कल पक्का गारंटी है नहीं किया वाह लॉजिकल मिस्टेक है वैसी कोई मिस्टेक नहीं है तो हमने बेसिकली अच्छा नीचे हमने फंक्शन कॉल ही नहीं मारी <laughs> तो बेसिकली मैंने आप अपना आंसर शो करा लिया स्टार आंसर इज इक्वल्स टू सॉल्व रूट कॉमा के कॉमा नोड आंसर आ गया अब अगर मेरा आंसर जो है वो नल के इक्वल आ रहा है अब अगर मेरा आंसर जो है वो नल के इक्वल आ रहा है तो इस केस में क्या होगा इस केस में रिटर्न करना है क्या रिटर्न करना है हमारा रिटर्न करना है एल्स केस में क्या होगा एल्स केस में रिटर्न करना है मुझे जो मेरा आंसर आया उसका डेटा ठीक है एक बार चला के देखते हैं इसमें केस में से अभी पता लग जाएगा आपको इसमें एक केस में से ठीक तो है ये सही चल रहा है अब ध्यान से देखते हैं हमारा कोड करके आ रहा है लेट्स से कि मैंने एक ट्री बनाया लेट्स से मैंने एक ट्री बनाया वन टू थ्री फोर फाइव तो बेसिकली मैंने क्या किया मैं अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे रूट नोड इसको बोल दूँ तो मैं कर रहा हूँ कि बस मैंने नोड की वैल्यू बोल दी चार और के की वैल्यू बोल दी दो तो मैं यहाँ पे आया आया फोर हो गया नहीं हो यहाँ पे आया फोर हो गया हाँ फोर हूँ रिटर्न कर दिया फोर को फिर यहाँ पे चेक करें फोर हो नहीं है वो नल, नल रिटर्न कर दिया फिर यहाँ पे क्या हुआ K की के की वैल डिक्लमेंट हुई के एजिकल टू वन हो गया आपने चेक किया कि यार क्या के एजिकल टू जीरो है तो आपने बोला कि नहीं नहीं है तो इस केस में आपने ऊपर सेम फोर को ही पहुँचा दिया ले भाई फोर आ गया फिर उसके बाद आपने क्या किया उसके बाद आपने बोला कि भाई ठीक है राइट की कॉल मारते हैं यहाँ से नल आया फिर दोबारा आपने बोला क्या डिक्रीमेंट करता हूँ के जीरो आ गया और आपने आंसर रिटर्न यानी कि बेसिकली यही वाले नोड को रिटर्न कर दिया एज एन आंसर ये किया था यही किया था वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हम फोर के फोर के जितने भी लेवल ऊपर जाते जा रहे हैं ना लेट से यहाँ पर मेरा के एजीवल टू टू था तो जैसे मैं ऊपर जाता रहा हूँ के एजिकल टू वन हो जाएगा ऊपर जाऊंगा के इजिकल टू जीरो हो जाएगा जहां पर मेरा के एजल जीरो होगा वो नोड को मैं आंसर दे दूंगा वो नोड को मैं आंसर दे दूंगा एक स्पेशल केस है हैंडल करना है लेट्स से कि मेरा ट्री में इस प्रकार का होता है वन टू थ्री यहाँ पे के की वैल्यू दे दी उन्होंने के की वैल्यू दे दी इन्होंने फाइव और एन की वैल्यू दे दी लेट से वन अब क्या करूँगा मैं मतलब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट किया नोट तो मिली गई नोट तो मिली गई इस नोट के लिए के इजल टू फाइव है ऊपर तो जा ही नहीं सकता ऊपर तो कुछ है नहीं ट्री में तो यहाँ पर क्या होगा फंस गया भाई इस केस में तो फंस जाऊँगा इस केस में तो फंस जाऊँगा तो इन शॉर्ट मुझे सिंपल चेक करना है भाई तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार जो आपका आंसर आ गया ना जो आपका आंसर आ गया आंसर का डेटा अगर वो आपके नोड के इक्वल है या फिर मैंने बोला इस एन के इक्वल है अगर आपका आंसर का डेटा इस एन के इक्वल है तो आप फंस गए क्यों फंस गए भैया अगर मान लो कि ए की वैल्यू जीरो होगी तब तो, तो आंसर निकल गया ना लेट्स से आप, आपने बोला कि एन इज इक्वल टू वन है और के की वैल्यू जीरो है तो क्या होगा इस केस में इस केस में तो मैं के स्टार्टिंग में जीरो ही पा तो इसके आंसर आ जाएगा वन मैंने लगा दोस्त एक बार पढ़ो तो क्वेश्चन उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि के की वैल्यू वन से सौ के बीच में होगी के वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती तो यानी अगर आप कभी रूट नोड पे आते हो और आप यहाँ पे कोई के की वैल्यू दे देते हो जो कि हमेशा ग्रट दिन जीरो होने वाली है तो आप फंस गए इस केस का हैंडल करना पड़ेगा तो हमने क्या बोला कि यार अगर तुम्हारा रूट नोड भी है ना अगर तुम्हारा आंसर जो आया है वो रूट नोड है तो यार तब भी आंसर ज़ीरो भेजना मतलब माइनस वन भेजना रन कर दो इसको इसको रन करते हैं और फिर सबमिट करके देखते हैं क्या होता है हमने सबमिट कर दिया ठीक है तो हमने सारे के सारे टेस्ट केस पास करा लिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन ये एज केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोबारा एक बार समझाते समझा तो हमने बोला ये आपका ट्री है हमने सिंपल सा एक केस ये आपको बोला कि अगर आपको कभी भी बोला जाए ना कि यार इस नोड को इस नोड का के निकालना है लेट से वन, के कुछ भी पे मैटर नहीं करता मेरे लिए वन से सौ के बीच में कुछ भी हो सकता है ठीक है तो उन्होंने बोला कि जो भी आपको नोड जब भी तो बेसिकली जो भी आपको नोट दे रहे ना कि इस नोट का केतन सिस्टर चाहिए गलती से भी वो नोट या रूट नोट नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि के की वैल्यू एटलीस्ट वन तो होने वाली है कि के जो है वो गिड़दान इक्ल टू वन होगा तो आपको एटलीस्ट एक लेवल ऊपर तो जाना ही जाना है और मल्टीपल जा सकते हैं पर एटलीस्ट एक तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि क्योंकि के की वैल्यू हमेशा वन से सौ के बीच में लाई करती है तो इसलिए कभी भी अगर आपका एन जो है वो रूट नोट के इक्वल दे दिया तो आपको उसके से हाथ खड़े करते ना बोलना इसका आंसर नहीं निकल सकता दोस्त बाय बाय इस प्रकार आपको इसे सॉल्व करना है सॉल्व करते हुए एक लॉजिक ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरमैक्स क्यों किया ये वाई वाला पार्ट ताकि मैं आंसर को लॉक कर पाऊँ क्योंकि जब मैं बाद में आके वापस माइनस माइनस करने की कोशिश करूंगा तो मैं दोबारा कभी जीरो पर ना पहुँच पाऊँ ठीक है ये एक और कैच है इस क्वेश्चन के अंदर है ना मैंने वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हर नोड को मैंने सिंगल टाइम विजिट किया तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को दिख रहा है हर एक कॉल में कॉन्टेंट स्पेस यूज किया और एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मेरे मैंने ऑफ हाइट स्पेस यूज़ किया होगा ठीक है और

इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे फटाफट और फिर समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या, ठीक है? तो क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि यार आपको एक ट्री दिया हुआ है, आपको एक ट्री दिया है, one, two, three, one, four, five, इस प्रकार, ठीक है? इसने बोला कि ये आपकी रूट नोड है, इसने बोला कि आपने एक मैक्सिमम सम निकालो यार एक मैक्स सम निकाल के दो मुझे कंडीशन ये है कि अगर आप कोई भी एक नोड पकड़ लेते हो ना जैसे मान लो उस मैक्सिमम सम के अंदर आपने ये वाली नोड इंक्लूड कर दी है अगर आपने ये वाली नोड इंक्लूड कर दी है तो आप इससे कनेक्टेड नोड को इंक्लूड नहीं कर पाओगे तो इससे कनेक्टेड कौन सी है एक तो टू है और एक तो थ्री है तो इन शॉर्ट आप इनको इंक्लूड नहीं कर पाओगे सम के अंदर इनको कर सकते हो क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं आई है, है ना तो फिर आपने इन सब को कर लिया तो इन शॉर्ट आपका आंसर क्या गया वन वन ये क्या था वन था कि हाँ वन था वन वन फोर फाइव अब आंसर क्या गया? अब आ गया आपका आंसर आ गया एलेवन है ना वन वन फोर फाइव अगर मान लो मैंने ये ही नहीं ली होती तो मैं ये ले पाता टू ले पाता तो मैंने टू ले लिया और मैंने थ्री ले लिया बट अब मैंने टू और थ्री ले लिया तो टू से डायरेक्टली ड्रेक्टली ये है तो ये नहीं ले पाऊंगा फिर तो ये भी थ्री से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये भी नहीं ले पाऊंगा ये भी थ्री से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये नहीं ले पाऊंगा तो आंसर क्या आ गया फाइव आ गया तो ये दो तरीके थे मेरे पास आंसर क्या आ गया इनका मैक्स क्या होगा इलेवन मैक्स तो आंसर क्या आ गया एलेवन आ गया इस केस में ठीक है तो इस केस में आंसर एलेवन आ गया अब लैट से मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है एलेवन वन टू पहला केस है कि मान लो मैंने इसको ले लिया इसको ले लिया तो ये नहीं ले पाऊंगा ये भी नहीं ले पाऊंगा समझ गए मेरा आंसर क्या आ गया मेरा आंसर आ गया, गया? यहाँ पर इलेवन अब मान लो मैंने इसको नहीं लिया तो मैं ये ले सकता हूँ ये भी ले सकता हूँ तो आंसर क्या आ गया वन प्लस टू थ्री इनका मैक्स क्या है एलेवन तो मेरा आंसर एलेवन आ गया आ गया अगला क्वेश्चन ये वाला है इसको देख लेते हैं एक बार ये तो हमने शायद ऑलरेडी सॉल्व कर लिया नहीं क्या कर लेते हैं फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैंने बोला मान लो मैंने इसको ले लिया अगर इसको ले लिया तो ये नहीं ले पाऊंगा ये भी नहीं ले पाऊंगा ये ले सकता हूँ ये ले सकता हूँ ये ले सकता हूँ क्या होगा वन प्लस फोर फाइव 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 टेन सिक्सटीन सिक्सटीन आंसर आ गया अब अबलेट से मैंने बोला मैंने इसको नहीं लिया अगर इसको नहीं लिया तो इनको ले सकता हूँ इनको ले सकता हूँ अगर ये ले लिया तो इसको नहीं ले सकता अगर ये ले लिया तो इसको नहीं ले सकता अगर ये ले लिया तो इसको नहीं ले सकता तो टू और थ्री फाइव आंसर क्या आ गया सिक्सटीन मैक्स निकालना होता ना सिक्सटीन आंसर आ गया तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन कर दिया है ठीक है मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन कहता क्या है अप्रोच वाइज डिस्कस करते हैं किस प्रकार सॉल्व करना है मैंने बोला रिकर्जन के द्वारा हम तो हम पूरा ट्रैवर्स तो कर ही लेंगे बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिमाग लगाना और काम हमारा हो जाएगा तो मुझे दो तरीके के सम दिख रहे हैं यहाँ पे है, है ना अगर ध्यान से देखे तो हमने यहाँ पे दो तरीके के सम निकाले हैं यार एक इस प्रकार का एक इस प्रकार का पहला सम कौन सा है जहाँ पे हम नोड को करंट लेवल पे जो नोड है उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला अगर मैं इस प्रकार का एक डेटा ले लूँ यार अगर मैं इस प्रकार का एक डेटा ले लूँ जहाँ पे पहली वैल्यू ए है और दूसरी वैल्यू बी है ए वैल्यू क्या है ए वैल्यू है मैक्स सम बाय इंक्लूडिंग स्पेलिंग गलत लिख देता है इंक्लूडिंग नोड नोड्स एट करंट लेवल यानी जिस भी लेवल पे आप करेंटली बैठे हुए हैं उसकी सारी नोट्स का मैं इंक्लूड कर लूँ तो क्या मैक्सम बनने वाला है और बी क्या कहता है मैक्सम बाय, एक्सक्लूडिंग यार जिस लेवल पे मैं बैठा अभी करंटली उसके नोड का एक्सक्लूड कर दूं तो क्या आंसर बनने वाला है ये हर नोड के लिए मेरे पास हो तो तो मैं आंसर निकाल लूंगा ठीक है किस प्रकार मैं समझ लेते हैं मेरा जो ट्री है ऐसा है वन वन टू फोर थ्री फाइव सिक्स ये मेरी रूट नोड है भाई तो मैंने बोला ठीक है मुझे हर एक नोड पे ना यार दो वैल्यूज तो मुझे चाहिए ही चाहिए ठीक है तो मैंने क्या बोला ठीक है यार निकाल लेते हैं इसको फटाफट किस प्रकार में करने वाले हैं समझ लेते हैं तो मैंने क्या बोला ठीक है पहले मैं यहाँ पाऊँगा तो मैं लेफ्ट के लिए कॉल मार दूंगी फिर मैं यहाँ पे आऊँगा मैंने लेफ्ट के लिए कॉल मार दूँगी फिर मैं यहाँ पे लेफ्ट के कॉल मार दूंगी ये तो मेरा मैं नल होता है तो नल के केस में मुझे पता है कि यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगा ज़ीरो जीरो और राइट के केस में यहाँ पर क्या आएगा ज़ीरो ज़ीरो ठीक है तो ये आपने रिटर्न कर दिया ये आपने रिटर्न कर दिया तो अब फ़ोर के लिए मुझे आंसर निकालना है फोर के लिए मुझे आंसर निकालना है तो फोर के लिए आपकी ए की वैल्यू ए में क्या होता है इंक्लूड करना है तो फोर को इंक्लूड करके आपका आंसर क्या निकलेगा फोर आ गया फोर को एक्सक्लूड करना है तो आपका आंसर क्या निकलेगा जीरो आ गया ठीक है फिर आपने ये आंसर जो है इसको ऊपर भेज दिया ठीक है ऊपर अगर मैं टू को इंक्लूड करूँ अगर मैं टू को इंक्लूड करूँ ठीक है तो मुझे फोर नहीं लेना है तो यानी कि अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो मेरा आंसर टू आ गया अगर मान लो टू को एक्सक्लूड करता हूँ तो मैं फोर को ले सकता हूं तो आपने फोर का आंसर चिपका दिया यहां पे ज़ीरो तो आपने फोर का आंसर चिपका दिया यहां पे दैट इज़ फोर उसी प्रकार इसको मैंने ऊपर भेज दिया फिर इसके लिए मैंने राइट right में कॉल मार दी भाई राइट में कॉल मारी फिर इसने लेफ्ट में कॉल मार दी इसने आगे कॉल मारी ये जीरो को मज़ीरो आ गया इसके पास इसने आगे कॉल मारी जीरो का मजीरो आ गया और रिटर्न हो गया फिर फाइव के केस में अगर इंक्लूड करूँ तो फाइव आएगा एक्सक्लूड करूँ तो जीरो आएगा उसी प्रकार मैंने इसको ऊपर भेज दिया इसने राइट में कॉल मारी इसने नल नल पे कॉल मारोगे जीरो को जीरो आएगा तो इसके केस में सिक्स को जीरो बन गया होगा इसको इसने रिटर्न कर दिया तो इसने बोला अगर मैं थ्री को इंक्लूड करूँ तो यार मैं इंद्र को नहीं ले पाऊंगा तो आंसर क्या आ गया थ्री पर अगर मैं थ्री को एक्सक्लूड करूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा जो मेरा लेफ्ट से आंसर है राइट से आंसर है उसको प्लस कर लेता हूँ भाई इलेवन इसको मैंने ऊपर भेज दिया भाई अब यहाँ पे मेरे पास क्या रहा है टू कमा फोर पे मेरे पास क्या आ रहा है थ्री कमा इलेवन वन के लिए आंसर निकालना है अगर मैं वन को इंक्लूड कर लूँ तो मेरा आंसर क्या बनने वाला है वन प्लस क्या प्लस करेंगे क्या प्लस करेंगे तो मुझे बेसिकली अगर मैं वनूड इंक्लूड कर लूँ तो मुझे टू और थ्री एक्सक्लूड करने पड़ेंगे तो इनके एक्सक्लूड वाला डेटा ले लिया एक्सक्लूड वाला डेटा क्या है फोर और यहाँ पे क्या है एलेवन तो क्या बन गया ये सिक्सटीन बन गया दोस्त कॉमा अगर मैं वन को एक्सक्लूड कर दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैंने वन को एक्सक्लूड कर दिया ठीक है तो मैंने क्या बोला मैंने अगर वन को एक्सक्लूड कर दिया तो मेरे पास ये चार डेटा है भाई तो टू तो को इंक्लूड कर लो या टू को एक्सक्लूड कर लो थ्री को इंक्लूड कर लो या थ्री को एक्सक्लूड कर लो तो मैंने बोला इनका मैक्स ले लो भाई इसका मैक्स क्या आ गया चार और इसका मैक्स क्या आ गया ग्यारह तो ग्यारह और चार को प्लस कर दो पंद्रह तो इन शॉर्ट मेरा आंसर सोलह पंद्रह में से सोलह आ जाएगा अगर आप चेक कर लेंगे तो इसका आंसर सोलह ही आ रहा है भैया ये पंद्रह वाला समझ नहीं आया पंद्रह कैसे बना मैंने बोला सिंपल है दोस्त वन को तो एक्सक्लूड कर रखा है ठीक है अगर इस केस में देखें तो हमने यहाँ से फोर उठाया था है ना फोर उठाया फोर मतलब टू को भी एक्सक्लूड कर रखा है ठीक है तो यहाँ से आपने ये वाली नोट ले ली होगी एक नोट ये ले ली फिर हम यहाँ पे कर जाए तो इस ग्यारह उठाए ग्यारह से उठाए ये तो आपने बेसिकली ये तीन नोड नहीं रखी है ये तीन नोड लिया आपने और आपका ये पंद्रह आ चुका है राइट तो इस पर आपने पंद्रह बिल्ड कर लिया भैया हमारा ये बता दो एक बार कि ये जो सोलह है ये कैसे आया मैंने बोला ठीक है इसमें हमने वन को इंक्लूड कर रखा है वन को इंक्लूड किया और फिर इन तीनों को इंक्लूड कर लिया इस प्रकार हमारा पंद्रह सोलह आ गया ठीक है इसको सॉल्व करना बहुत आसान है हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सी कन्फ्यूजन है बट हाँ सॉल्व कर लेंगे मैंने बोला जो दो वैल्यूज है ना हम बारह बोल रहे हैं एक कॉमापी ये क्या है बेसिकली दो इंटीजर ही तो है दो इंटीजर ही तो है तो एक पेयर बना लेते ना भाई एक पेयर बना लेते हैं एंड इंटकोमांट का उससे सॉल्व कर लेंगे तो मैंने क्या बोला चलो ऐसा करूँ मुझे क्या चाहिए मुझे एक पेयर बनाना है पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट इसका नाम है आंसर ये कहाँ से आएगा एक सॉल्व फंक्शन मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर रूट पास किया हुआ है और मुझे क्या करना है

पहले बेस केस, बेस केस क्या कहता है कि मान लो आपकी रूटी है, रूटनल है रूटनल के केस में क्या करते हैं मैं लाइक पेयर बना लो भाई पेयर ऑफ एंड का माइंड जिसके अंदर आपने सब कुछ जो है जीरो जीरो डाल रखा हो मेक पेयर इसमें दोनों सब आपने स्टार्टिंग में जीरो दे रखे हैं भाई क्योंकि ट्री में नोट ही नहीं है तो आंसर कहां से निकालोगे रिटर्न कर दिया फिर हमने क्या किया हमने लेफ्ट से आंसर निकाला यार हमने बोला कि एक लेफ्ट आंसर निकाल के लाओ पेयर ऑफ का माइंड लेफ्ट आंसर निकाला आपने सॉल्व कर दिया रूट के लेफ्ट के लिए उसी प्रकार हमने एक राइट right का आंसर निकाला सॉल्व कर दिया रूट के राइट right के लिए कर दिया अब निकालते हैं आंसर तो हमने क्या बोला पहली कंडीशन क्या हो सकती है हमने क्या बोला कि लेफ्ट से जो मुझे आंसर यहां पर निकालना है इंट कमा इंट मुझे रिजल्ट जो निकालना है तो मैंने बोला रिजल्ट डॉट फर्स्ट क्या होगा रिजल्ट डॉट फर्स्ट का क्या मतलब है रिजल्ट डॉट फर्स्ट का मतलब है मैक्सिमम सम इंक्लूडिंग ऑल नोट एट करंट लेवल तो इसका सम कैसे निकालते हैं तो बेसिकली मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि लेट्स सेक यहाँ पे वन को मैंने इंक्लूड कर लिया तो जब मैंने वन को इंक्लूड कर लिया था तो मैंने क्या बोला था कि मुझे टू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे सेकंड वैल्यू उठानी होती है और थ्री को एक्सक्लूड करना पड़ेगा उसके लिए सेकंड वैल्यू उठानी होती है तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला कि मुझे क्या करना है वन को अगर मैं इंक्लूड कर लेता हूं तो मुझे तीन डाटा प्लस करने हैं एक तो वन एक तो चार एक तो ग्यारह तो वन मतलब रूट का डेटा चार मतलब लेफ्ट का सेकंड और ग्यारह मतलब राइट right का सेकंड तो इन शॉर्ट मैंने बोला रूट का डेटा प्लस लेफ्ट का सेकंड प्लस राइट का सेकंड सिंपल ये बात ये वाला काम आपने कर दिया फिर हम गए रिजल्ट के सेकंड में रिजल्ट का सेकंड कैसे निकालता हमने बोला कि हमें वन को अब एक्सक्लूड करना है अगर मैं वन को एक्सक्लूड करता हूँ हमारे पास चार डेटा है टू फोर थ्री और अलेवन मैंने बोला टू और फोर का मैक्स निकाल लो थ्री और अलेवन का मैक्स निकाल लो जो भी आंसर आएगा उनको प्लस कर देना तो मैंने बेसिकली बोला कि मैक्स निकाल लो लेफ्ट डॉट फर्स्ट का कि भाई लेफ्ट पार्ट वाले के लेफ्ट पार्ट में जो नोट पड़े उसको एक्सक्लूड करूँ या इंक्लूड करूँ जो भी मैक्सिमम डेटा आएगा मैं वो ले लूँगा सिंपल यार क्योंकि मुझे अपना सम मैक्सिमम बनाना है ठीक है उसी प्रकार मैंने मैक्स निकाला अपने राइट right वाले पार्ट में राइट डॉट फर्स्ट राइट डॉट सेकेंड ये मेरा रिजल्ट निकल गया भाई मैंने क्या बोला रिटर्न कर दो ना दोस्त निकल गया तो फिर क्यों मेहनत कर रहे हो कहता एक बार इसको रन करके देख लेते हैं भाई कहीं पे लॉजिक वो हमारा सिंटेक्स मिस्टेक क्या पता हो चल गया मतलब आजकल तो सही चल रहा है वाह अब हमने फटाफट से इसको सबमिट कर दिया और ये सारे के सारे टेस्ट पास हो गए तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और बहुत जल्दी हो गया मजा ही आ गया इसको सॉल्व करने के बाद तो बिल्कुल ठीक है किया गया हमने दोबारा समझते हैं एक बार हमने क्या बोला बहुत सिंपल था भाई हम एक नोट पे स्टार्टिंग में बैठे हुए थे हमने क्या बोला ठीक है मेरे पास दो दो सम बनाने हर किसी में नोट के लिए एक तो इंक्लूडिंग वाला सम एक एक्सक्लूडिंग वाला सम तो, तो वन के लिए पहले लेफ्ट में, में गया टू पहुंच गया टू के लिए लेफ्ट टू तो वन के लिए पहले मैं लेफ्ट में गया टू पहुंच गया फिर टू के लिए मैं लेफ्ट में गया फोर पहुंच गया फोर के लिए मैं लेफ्ट में गया नल पहुंच गया नल के केस में जीरो कमा जीरो आंसर आता है उसी वक्त राइट में गया जीरो जीरो आंसर आता दोनों केस में जीरो का जीरो आंसर आ रहा है ठीक है फिर हमने ये हमने इस प्रकार लॉजिक लगाया कि यार रिजल्ट का फर्स्ट इस प्रकार बिल्ड करना है और रिजल्ट का सेकंड इस प्रकार बिल्ड करना है ये बन गया इसको हमने रिटर्न कर दिया तो टू का लेफ्ट का आंसर आ गया टू के राइट के लिए कॉल मारी नल था जीरो रिटर्न हो गया ठीक है फिर दोबारा हमने यही लॉजिक लगा दिया यहाँ से हमने टू का आंसर क्रिएट कर लिया इसको हमने रिटर्न कर दिया फिर हमने राइट में कॉल मारी फिर यहाँ से लेफ्ट में कॉल आई फिर यहाँ से फिर लेफ्ट कॉल गई जीरो जीरो आया फिर राइट कॉल गई जीरो जीरो आया लॉजिक लगाया आंसर निकल गया फिर इसको वापस भेज दिया राइट में कॉल मारी सिक्स के लिए यहाँ जीरो 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 फिर यहाँ से आंसर सिक्स कमा जीरो गया अब यहाँ से फाइव को जीरो गया हुआ यहाँ सेमा जीरो गया है हमने फ्री लॉजिक लगाया वन वन नाइन वन टू वन वाला और मेरा आंसर थ्री कोमा इलेवन आ गया इसको मैंने ऊपर भेज दिया तो अब वन के लिए मेरे पास यहाँ से टू कोमा फोर आ रहा है और यहाँ से थ्री कोमा इलेवन आ रहा है फिर दोबारा मैंने वन वन नाइन और वन 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 टू वन वाला लॉजिक लगाया और आंसर मेरा क्या बन गया सिक्सटीन कॉमा फिफ्टीन फिर भी इस आंसर को जो मैंने है यहाँ पर मैक्स निकाल लिया सिक्सटीन का और फिफ्टीन का और उसको रिटर्न कर दिया ध्यान से देखो तो हर एक नोट को सिंगल टाइम विजिट किया जा रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई ऑफ एंड हो गई भैया स्पेस कितना लग रहा है मैं मिलेगा हर नोट के लिए ध्यान से देखो आप बस दो वैल्यू दो दो निकाल रहे हो हर नोट के लिए राइट बट हम क्या कर रहे हैं रिगर्जिवली कर रहे हैं तो एट अट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मैक्सिमम स्पेस जो आपने लिया होगा वो हाइट के इक्वल होगा तो इन आपका स्पेस यहाँ पे ऑफ हाइट जा रहा होगा आप रिगर्जिव फंक्शन कॉल चेक बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा धन्यवाद ठीक है तो हमने पांच क्वेश्चन कर लिया यार बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे ब्लड लाइन ट्री के लॉन्गेस्ट आपने पाथ का सामने निकाल दिया राइट लोवेस्ट कॉमन सेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार वाला फिर केसम पाथ निकाला अपने केसन सिस्टर निकाला आपने और मैक्सिमम सम निकाला आपने ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चीज़ें समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है होमवर्क भी आपको वीडियो में दिए हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट से बताना यार क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है अभी क्या हो रहा है मैं इस टाइम नींद में मुझे लग रहा है और टाइम की अगर बात करें तो टाइम हो रहा है छः इक्यावन सात बज चुके हैं एडिटर साहब को मुझे आठ बजे तक वीडियो देनी है गोली मार देंगे मेरे को नहीं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट जरूर करके जाना दोस्तों यार आँखें बंदा रात रात जाकर रात कमेंट करने में तो नहीं शर्माना चाहिए आदमी को मैं बोलता भी लास्ट में मुझे लगता भी नहीं कितने यहाँ तक बच्चे दिखते भी होंगे मतलब नाइनटी नाइन परसेंट भगक जाते होंगे यहाँ तक तो देखता नहीं होगा यहाँ तक हिम्मत चाहिए यहाँ तक देखने के लिए बेसिकली अगर आप देख रहे हो तो यार कर दो ठीक है कुछ जाएगा नहीं आपका एक इंसान मेहनत मार रहा है तो थोड़ा सा देख लो मन करे तो कर देना नहीं करो तो मन कला छोड़ देना मिलता है तब तक के लिए बाय